दोस्तों महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस को सरकार बनाने के बाद आप लोगों ने देखा किस तरह से बीजेपी के अपने नेता ही अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती सुर खड़े करने लगे हैं। इसका इफेक्ट अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि हम कमलनाथ यानी कि कांग्रेस सरकार को स्थिर कर पाएंगे, लेकिन अब उसके ही नेता अपने ही पार्टी को स्थिर करने में लगे हुए हैं। दरअसल बीजेपी से अब जो है मध्य प्रदेश से भी उसके नेता ही बगावती सुर खड़ा करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों ये क्या कुछ खबर है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि पूर्व लोकसभा स्पीकर और इंदौर से लगातार 8 बार सांसद रही सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान राज्यपाल के सामने बातों ही बातों में उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है और बीजेपी पे बड़ा निशाना साधा है। दरअसल मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने रविवार को इंदौर के बिजलपुर इलाके में एक आयोजन का कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन मौजूद थे। इस दौरान मंच पर उपस्थित ताई ने यानी कि ताई का मतलब है सुमित्रा महाजन ने जो है कुछ ऐसा कहा कि वो राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बन गई है। ताई ने कहा कि वह बीजेपी और पीएम मोदी दोनों से नाराज चल रही हैं। बहुत बड़ी खबर जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यानी कि सुमित्रा महाजन जो आठ बार बीजेपी से जो है सांसद रही हैं, उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों से नाराज चल रही हूं। वहीं उन्होंने इस दौरान जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मौजूदगी में ये बातें कही है कि मेरी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती थी, कोई बात उठाने के लिए मैं जीतू पटवारी और तुलसी सिलावट के को धीरे से कहती थी कि तुम कुछ करो और कहो, आगे मैं संभाल लूंगी। इसके पीछे का कारण बताते हुए ताई ने कहा कि वह इंदौर के विकास में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी में मेरा शिष्य बनने के सभी गुण हैं। कुल मिलाकर इंदौर में ताई ने जो कुछ भी कहा वो राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बन गई हैं। यानी कि अब मध्य प्रदेश से भी बीजेपी के नेता बगावती सुर खड़े करने शुरू कर चुके हैं। सुमित्रा महाजन जो स्पीकर रह चुकी हैं पार्लियामेंट की, उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती थी। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है, और उन्हें बहुत सारी बातें कही हैं। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।